सिस्टम खराब हो गया। 60 साल की जिंदगी है, आदमी अगर ग्रेजुएशन करता है, अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो 21-22 का हो गया, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगा तो ये समझो कि 24-25 का हो गया, और पीएचडी वगैरह करने लगा, कोई हायर डिग्री लेने लगा तो हो गया 30 साल का, 30 साल का हो गया। अब उसकी कोई सेटिंग सेटिंग होगी तो ठीक है, अब उसकी अरेंज मैरिज की बात चलेगी तो अच्छी लड़की ढूंढने में कम से कम 1.5 से 2 साल चाहिए, 32। 32 के बाद आदमी को ये भी इच्छा होती कि मैं 1-2 साल खुद को दूं, तो देगा खुद को 1-2 साल देगा, तो कुल मिला के समझे कि नॉर्मल जो एज है वो 34-35 तक हो जाएगा इंसान। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो सेटल होते होते कि जब वो आदमी का मेंटल और फाइनेंशियल कंडीशन इस हालत में हो तो 30-31 का हो जा रहा है, 60 साल की तो मर जाना है। जब भैया तुम्हारे बालक बड़े होंगे और तुम ऐसे बढ़ाओगे तुमसे कुछ काम भी नहीं हो पाएगा, अपने इंजॉय भी नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा। ये कैरियर के उसमें या हमारे एजुकेशन सिस्टम ने या मेंटल प्रेशर ने लोगों की लाइफ का जो सर्कल है वो एकदम खराब हो गया है। जो बच्चे बेचारे यूपीएससी की तैयारी करते हो 35-35 साल के हो जाते हैं, बुढ़ा जाते हैं 35 साल, आदमी 35 साल हो गया उसकी जवानी खत्म, अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो है अब वो जिम्मेदारी ढोता रहेगा जीवन भर। समझ रहे हो, 60 साल के आदमी की जिंदगी, उसके बाद तो बिस्तर पे, बीमारी पे, डॉक्टर से वही कट रही है, वो कोई जिंदगी थोड़ना है बाकी का जो 5-6 साल। हालांकि हम तो इतने फिजिकली वीक है, हमारी जनरेशन तो ज्यादा टाइम तक टिकेंगे ही नहीं।